बिहार में महागठबंधन टूटने से सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस में टूट की अटकलें जोरों पर हैं। कहा जा रहा है कि आधे से ज्यादा विधायक कांग्रेस छोड़ नीतीश के खेमे में जाने को उतावले हो रहे हैं। इसके पीछे की वजह पार्टी की आरजेडी से नजदीकी बताई जा रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये टूट सरासर बीजेपी और जेडीयू की ही साजिश है। खबर है कि कुछ कांग्रेस विधायकों को पार्टी की लालू यादव से नजदीकियां राज नहीं आ रही है, इसीलिए वो सत्ताधारी जेडीयू में जाने का मन बना रहे हैं। राज्य में कुल 27 कांग्रेस विधायक हैं, लेकिन 14 विधायकों के नीतीश के साथ जाने की अटकलें जोरों पर है। कहा जा रहा है कि लालू की महारैली में विधायकों को ना बुलाए जाने से भी विधायक नाराज हैं। वहीं बिहार में उठे बगावती सुरों से परेशान कांग्रेस हाईकमान ने बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौधरी और कांग्रेस विधायक दल के नेता सदानंद सिंह को दिल्ली तलब किया है। सूत्रों के मुताबिक टूट की खबरों पर सोनिया गांधी ने दोनों नेताओं को फटकार भी लगाई है और नाराजगी जाहिर करते हुए हर हाल में टूट रोकने को कहा है। दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी पर बिहार में पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बिहार में कांग्रेस विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया गया था, लेकिन हमारी पार्टी एकजुट है। पार्टी प्रवक्ता आनंद शर्मा ने कहा कि इन हरकतों से बीजेपी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अवसरवादी होने की पोल खुल गई है। लिविलाइफ की रिपोर्ट।